अगर कोई बहुत गुस्सा करता हो उसके साथ हम कैसे डील करें। कोई हमारी रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है, हमारा पार्टनर बहुत गुस्सा करता है छोटी छोटी बात को लेकर, या हमको बहुत धमकी देता है ब्रेकअप कर लूँगा इस टाइप की, मतलब तुमको दबा के रखा है उस बंदे ने। तो इस वीडियो में हम इसी बंदों के साथ हम डील करना सिखाएंगे आपको। इस वीडियो को पूरा देखें। देखो एक बात साइकोलॉजी फैक्ट है, आप अच्छे से इस चीज़ को समझना, मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर होती है हमेशा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ। जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले बंदे होते हैं ना, बहुत जो दिखा रहे होते हैं कि मैं बहुत गुस्सा हूँ या मैं ऐसा कर दूंगा, पैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सच बताऊँ वो अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। वो जो इतना बोलता है ना, वो अंदर से कमज़ोर होता है 100%। मैंने ऐसा फील किया है सब लोगों के साथ, जितने भी मैंने गुस्सा करने वाले देखे हैं उनको डील करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मैं उनके दिमाग से खेल जाता हूँ। क्योंकि इस जो गुस्सा करते हैं ना बहुत ज़्यादा, हमेशा गुस्से में, टेंशन, मतलब टेंशन तो नहीं, गुस्सा फील कराते हैं बहुत, गुस्से में जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं ये वो, तो वो शॉर्ट टर्म फीलिंग होती है बहुत छोटी सी टाइम पीरियड की, और वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। जो बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेता है या बहुत जल्दी कोई काम करना स्टार्ट कर देता है, बहुत जल्दी उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है, उन बंदों के साथ तुम उनके दिमाग से बहुत अच्छे से खेल सकते हो, उनके साथ डील कर सकते हो। अगर आपका बॉयफ्रेंड इस टाइप का है तो आपको ना वहाँ पे उसके गुस्से से नाराज़ नहीं होना, उसको मेरी वीडियो के तहत जो मैं बताऊँगा उसको अप्लाई करना उस पर, और उसको ना बहुत लाइटली लेना स्टार्ट कर दो। जो बहुत गुस्सा करता है, तो मैं दिन भर गुस्सा करता है, तो रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है, या तुम्हारे रिलेशन में कोई भी है तुम्हारे आसपास, तुम पर कोई गुस्सा बहुत करता है, या लाइफ में जितने भी लोग मिलेंगे गुस्सा करने वाले, ट्रेन में, बस में, कितने भी, जो गुस्सा करने वाले होते हैं ना उनको बहुत प्यार से समझाओ। जैसे एकदम डॉगी जो होता है, हम बहुत उसे प्यार से सहलाते हैं ना तो शांत हो जाता है और बहुत मतलब भौंकना बंद कर देता है, उसी टाइम में जो गुस्सा करने वाले होते हैं वो ऐसे ही मतलब उसी नेचर के होते हैं। उन्हें बहुत प्यार से थोड़ा सा उनके गुस्से को ठंडा करो, उसके बाद अपना रिएक्शन दो, अपनी बातों में उलझा दोगे ना उसे, तो उसके दिमाग से तुम आसानी से खेल सकते हो। ऐसे बंदे के साथ तुम कोई भी काम करवा सकते हो, उन बंदों से तुम कुछ भी काम करवा सकते हो किसी भी टाइम। वो कैसे, देखो जो गुस्सा करने वाला होता है, मानते हो तुम बहुत हल्का होता है अंदर से, आपने एक साइकोलॉजी फैक्ट नहीं, आप साइंस की भाषा में जाइए, आपने नियम पढ़ा होगा, जो चीज़ हल्की होती है, गर्म वायु, हल्की वायु और पवने पड़ी होंगी आपके, तो या हवा के बारे में जानते होगे, कोई भी गर्म चीज़ को हम गैस पर गर्म करते हैं तो वो हवा में उड़ने लगती है, क्योंकि गर्म चीज़ हमेशा हल्की होती है। जो जितने ज़्यादा गुस्सा वाला होता है वो अंदर से उतने कमज़ोर होता है। इस टाइप के बंदों को आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं अपने साइकोलॉजी फैक्ट के थ्रू। आप ठंडा होकर उसको समझाइए और उसके दिमाग से खेल जाइए। जो तुम इस टाइप के लोगों से ना, तुम जब वो गुस्सा में ना हो, उस टाइप के लोगों को तुम बहुत आसानी से अपने काबू में कर सकते हो, अपनी बातों में उलझा कर अपना काम उससे निकलवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसके दिमाग से कुछ भी खेल लो। रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छे से वो कुछ भी उन पर मतलब हावी हो जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो आप ये समझोगे, आपने देखा होगा जो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, आप वो शेर थोड़ी ना होते हैं गुस्सा वाले, उनसे डरने की जरूरत थोड़ी ना है, बल्कि उनको हंसी में लो। आप अपने मन में हंस सकते हैं, यार कितना कमज़ोर है। आप किसी गुस्से वाले को देखो ना जो जल्दी गुस्सा आता है, उसे सोचो अपने मन में जब वो गुस्सा करे, तो आप सोचो यार कितना हल्का बनता है अंदर से, अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं ये लोग। आपने शेर देखा होगा, शेर कितना ताकतवर होता है, पर कभी तुमने उसे देखा है कि बेवजह में किसी को परेशान करते हुए दहाड़ते हुए? वो शांति से बैठा होता है, आपने वीडियोज़ देखी होंगी या चिड़ियाघर में भी गए होंगे, वो शांति से बैठा होता है, ना उसका चेहरा डरावना ना कुछ। जब वो दहाड़ता है ना तो पूरे जंगल को हिला देता है, वो अपने टाइम पर दहाड़ता है ना कि वैसे। तो आप इस चीज़ को समझो।